हाय फ्रेंड्स वेलकम टू फैशन आइडियाज़ बाय दीपा अगर आप बहुत स्किनी हो लेकिन अगर आपका टमी निकला हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसमें आप कैसे अपने टमी को हाइड कर सकते हो तो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट टिप इज़ टू अवॉइड वेरिंग स्ट्रेचबल फैब्रिक स्ट्रेचबल फ़ैब्रिक पहनने से आपके सारे बॉडी कर्व्स दिखाई देते हैं और आपका स्टमक और ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है तो जस्ट अवॉयड वेयरिंग स्ट्रेचबल फैब्रिक्स सेकेंड इज़ अगर आप कोई भी ड्रेस पहन रहे हो तो उसमें अपर और लोअर सेम कलर का रखेंगे और उसमें हम एक लेयर ऐड करेंगे ऑफ लाइटर शेड तो जब लेयर ऐड करते हैं तो उससे हमारा टमी छुप जाता है ये बहुत अच्छा तरीका है अपने टमी को छुपाने के लिए थर्ड टिप इज़ कि अगर हम कोई टाइट फिट स्कर्ट पहनना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम पेपलम टॉप पहन सकते हैं पेपलम टॉप का जो फ्लेयर होता है वो हमारे टमी को हाइड कर देगा और हम अच्छे लगेंगे लेकिन हाँ जो पेपलम टॉप का फ्लेयर है उसकी लेंथ हमें ध्यान से रखनी चाहिए क्योंकि हम अपने वाइडेस पोर्शन को कवर करना चाहते हैं उस चीज़ को जब आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत अच्छे लगोगे नेक्स्ट इज़ कि अगर आप कोई बेल्ट ऐड करना चाहते हो तो वो अवॉइड करो क्योंकि अगर आप बेल्ट पहनते हो तो आपका टमी और ज़्यादा दिखता है वाइड बेल्ट पहनोगे तो भी टमी दिखेगा अगर आप थिन बेल्ट पहनते हो तो भी हो सकता है कि आपका टमी उसमें दिखे तो मेरे हिसाब से आपको बेल्ट वाली ड्रेसेस अवॉइड करनी चाहिए और सपोज़ आपको बेल्ट लगाना ही है तो आप सेम कलर का बेल्ट लगाइए जिस कलर की आपकी ड्रेस है जिससे कि बेल्ट उतना दिखे ना नेक्स्ट स्टेप इस कि अगर आप कोई नीचे का लोअर आप ख़रीदने जा रहे हो तो वो लो राइज नहीं होना चाहिए लो राइज लोअर्स में क्या होता है कि वो नीचे तक आते हैं और आपका जो टमी है और ज़्यादा पॉपअप होके दिखता है तो आपको हमेशा हाई वेस्टेड पैंट्स और लोअर्स चूज़ करने चाहिए जिससे कि आपका टमी उसमें अच्छे से इन हो जाए आपका टमी दब जाए लो राइज पैंट्स आपको अवॉइड करने चाहिए तो ये कुछ टिप्स हैं ट्रिक्स हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे तो आप अपने टमी को छुपा सकते हो और अच्छे लग सकते हो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये आपको टिप्स कैसे लगे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन सी यू बाय बाय टेक केयर